फिर से आप सबका स्वागत है और प्रभु ने हमें फिर से ये सौभाग्य दिया कि हम उसके वचन की ओर जा सकें और विशेष करके प्रकाशित वाक्य के टॉपिकल स्टडी, फिर हमने सिंबॉलिज्म देखा और वो महत्वपूर्ण बातें जो हैं पिछले दिनों हम लोगों ने देखी, और आज से जो है प्रकाशित वाक्य के एक्सप्लेनेटरी अध्ययन को हम देख रहे हैं। एक एक आयत में भी जो वाक्य हैं, कभी कभी दो दो तीन तीन वाक्य मिलके सेंटेंस मिलकर के एक आयत है, और फिर उसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेटर्स हैं, उनको ओरिजिनल भाषा में, ग्रीक भाषा में जैसा यूहन्ना ने लिखा था, उनका महत्व जो है क्या होता है और उनका अर्थ क्या होता है, ये भी हम देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में जो है हम इस प्रकार के अध्ययन को जारी रखेंगे, और जो जो प्रभु की ओर से जिनके मन खुले हैं, मेरा ऐसा भरोसा है कि प्रभु उन सब की सहायता मदद करेंगे कि वे प्रभु के वचन को समझ सकें। आज हम जो हैं प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय पहली आयत से आरंभ कर रहे हैं। मैं पहली तीन आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूं, और यहां यह लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सबसे पहला बाइबल में एक मात्र पुस्तक जिसमें लेखक का नाम प्रभु यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया, इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। और यूहन्ना, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा उसकी गवाही दी। धन्य वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्य है वे, और क्योंकि समय निकट है, इसलिए परमेश्वर ने धन्य शब्द का इस्तेमाल करा, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो मानते हैं, और अपने दास यूहन्ना को ये बातें बताई। प्रकाशित वाक्य किसका है? प्रभु यीशु मसीह, जो उसे पिता ने दिया है। तो उन्होंने वो स्वर्गदूत को भेज करके अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने इस विषय की गवाही दी कि जो कुछ उसने देखा था वो सब हमारे लिए जो है सरल और स्पष्ट करे। स्कॉलर्स के अनुसार ये कठिन पुस्तक है, और हमने देखा कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर चाहता है उनको वे सारी बात बताता है। सो दोस्तों, जो है प्रकाशित वाक्य जो है, जैसा मैंने कहा, आयत बाय आयत, शब्द बाय शब्द, और हम कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा हमारे मनों को खोले, हमारे आत्मिक आंखों को खोलें कि हम परमेश्वर को निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि वो
हम उसकी वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय को खोलें कि हम उसको जो है समझ सकें, उसके पीछे चल सकें, उसकी मांग सकें। और न सिर्फ हमारे जीवन जो है आशीषित हों, वरन हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित हों। सो जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। देखें जो वाक्य है वो तीन वाक्य है, तीन वाक्य हैं। और जो ओरिजिनल शब्द हैं, जो प्रकाशित वाक्य के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है एपोक्लेप्सिस। ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो एपोक्लेप्सिस अर्थात प्रगटीकरण, अनकवर या डिस्क्लोजर जो है, जो अभी तक छिपा हुआ था परमेश्वर ने चाहा कि अपने लोगों पर वे बातें प्रकट करें। सो पहली चीज प्रकाशित वाक्य के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अंग्रेजी में रिवेलेशंस और हिंदी में जो है प्रकाशित वाक्य और ग्रीक में एपोक्लिप्सिस। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द जो है क्राइस्ट, यीशु मसीह, यीशु मसीह जो है क्राइस्ट, क्रिस्टोस जो शब्द इस्तेमाल हुआ है क्रिस्टोस ग्रीक भाषा में, और इसका मतलब होता है अभिषिक्त। अभिषिक्त हमारा प्रभु कहां हुआ? क्रूस पर, क्रूस पर, क्रूस पर। और यीशु मतलब उद्धार करता, उद्धार करता। और परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो है थियोस, ग्रीक शब्द थियोस, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर जी के साथ में, और जो अन्य देवी देवता उनके लिए स्मॉल जी, लेकिन परमेश्वर के साथ में जी कैपिटल अक्षर में अंग्रेजी में, लेकिन ओरिजिनल शब्द जो है वो थियोस, थियोस। और सेवक के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो ड्यूलॉस, ड्यूलॉस सेवक और गुलाम, जो जो शब्द है ड्यूलॉस का अर्थ है गुलाम, जिसने अपनी इच्छा से अपने तन मन धन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया, जिसने अपने तन मन धन को अपनी इच्छा से, जो शब्द हिंदी में आया है वह आया दास, दास, और अंग्रेजी में सर्वेंट, और ओरिजिनल भाषा में ड्यूलॉस, ड्यूलॉस। और शीघ्र होना उसके लिए जो शब्द है वो टेकॉस, कि बड़ी जल्दी ये होने वाला है, उसे उसे सिमेनो, सिमेनो कि जो स्पेसिक पॉइंट करता है। और स्वर्गदूत के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ एंजल अंग्रेजी में और एजिलॉस, एजिलॉस ग्रीक में, इसका मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर, अनाउंस, प्रोक्लेम। सो जो प्रकाशित वाक्य है, अब आ जाए प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का है जो परमेश्वर ने, मतलब ये जो पुस्तक है स्वर्ग से पृथ्वी तक आई है,
और प्रभु ने पृथ्वी के स्वर्ग में स्वर्गदूत को भेजा, पवित्र आत्मा को भेजा और पृथ्वी पर यूहन्ना को चुना। तो देखिए स्वर्ग में परमेश्वर और पुत्र, पिता पुत्र, स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आए और यूहन्ना को पृथ्वी पर। तो ऐसा विस्तार है दोस्तों, ऐसा विस्तार है इसका। और जो है जैसा मैंने बताया कि ग्रीक शब्द एपोक्लिप्सिस, डिस्क्लोजर जो अभी तक बंद था, परमेश्वर ने चाहा कि अपने दासों को वे बातें बताएं और यूहन्ना को जो है ये पुस्तक पृथ्वी पर आत्मिक दर्शन के द्वारा, जो हम आगे देखेंगे कि वो पत्मोस नामक टापू में था और आत्मिक दर्शन, उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं। जो राजा ने उसको तो वहां मृत्यु के लिए डाल दिया, लेकिन आत्मिक आंख यूहन्ना की खुल गई। उसने जो देखा वो अद्भुत था। फिर उसने उसके आत्मिक कान खुले कि परमेश्वर की वाणी को सुना, स्वर्गदूत और प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुना। उसने अपना हृदय खोला कि वो इन बातों को समझ पाए और जो है वो स्वर्गदूत जो है जिसने दानियल को, मरियम को, जकरिया को और बाइबल में कई जगह ये दर्शन दिया और अपने दास, जैसा मैंने बताया जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो ड्यूलॉस। और देखें दास और और थोड़ा सा शब्द में कहूं गुलाम, जो अपनी इच्छा से परमेश्वर के अधीन है, उसका जीना मरना अपने स्वामी पर निर्भर करता है। स्वामी यदि चाहे, मालिक चाहे तो जिए, मालिक चाहे तो मर जाए। और सर्वेंट में यह फर्क है कि जितना वो काम करता है उसके बदले में उसको तनख्वाह, पैसा मिलता है, लेकिन स्लेव को, गुलाम को खाने से लगाकर पहनना ओढ़ना, उसका सोना, उसका घर, उसके सारी चीजें स्वामी पे निर्भर करती है। और देखें जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो ड्यूलॉस, ड्यूलॉस। और यही शब्द पौलुस, तिमोथियो, याकूब, पतरस, यहूदा, इन सब के लिए भी इस्तेमाल हुआ, इन सब के लिए भी दोस्तों इस्तेमाल हुआ। और आज हमें कैसा रहना है, परमेश्वर के प्रति कैसा रहना, एक ड्यूलॉस की तरह या एक जो है वर्कर की तरह। और समस्या यह है कि बहुत सारे लोग वर्कर की तरह हैं, जितना काम करें उतना पैसा चाहिए, लेकिन ड्यूलॉस ऐसा शब्द नहीं। और देखें पुस्तक का अस्तित्व स्वर्ग से पृथ्वी तक और सारे लोग जानते हैं। इसके लिए यूहन्ना की आंखें खोल दी गई और ये जो है पहला ही शब्द था यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। और जो है जो उसे परमेश्वर ने दिया और लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गदूत और फिर उसके सेवक यूहन्ना कि हम सब तक पहुंच जाए। सो ये चीज परमेश्वर चाहता है, स्वर्ग की बातें हमारे जहन में बैठ जाए, हमारे जहन में बैठ जाए। और यूहन्ना जो पत्मोस नाम टापू में था, मरने के लिए उसको यहां रख दिया गया था, काला पानी की सजा मिली, लेकिन परमेश्वर ने जो अद्भुत काम करा कि प्रभु के इस दास की आत्मिक आंखें खुल गईं
प्रभु को देखने लगा, इसके आत्मिक कान खुल गए प्रभु की वाणी को सुनने लगा, इसका आत्मिक हृदय खुल गया कि ये प्रभु के बातों को समझने लगा। और अकेला अकेला अकेला, और दोस्तों इसीलिए इस बाइबल को मैं हमेशा बोलता हूं, समझने के लिए आप मांगे परमेश्वर से, मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं आपको देख सकूं, मेरे आत्मिक कानों को खोल कि मैं आपको सुन सकूं, मेरे आत्मिक हृदय को खोल कि मैं आपको समझ सकूं। और जो बगैर इसके इस पुस्तक को समझना चाहता है तो वो शैतान भी है, शैतान के लोग भी हैं। शाब्दिक अर्थ उसका वो गलत इंटरप्रिटेशन भी बड़ी आसानी से लगा ले। व्यभिचारी लोग अपने फायदे के लिए यहां से रेफरेंस बताते हैं, शराब पीने वाले अपने लिए रेफरेंस बताते हैं, और बहुत सारी चीजें दोस्तों। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर के वचन को समझने के लिए परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे आत्मिक जीवन को खोल दे। और ये सबके साथ नहीं, ये सबके साथ नहीं है दोस्तों। और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य देखें, दूर से सब गिलास जो है भरे हुए दिखते हैं, चाहे खाली भी हो, लेकिन भरा हुआ एक ही बल्ब जल रहा है, बाकी सब बुझे हुए, सब बुझे हुए। परमेश्वर से दुआ करें कि परमेश्वर के पास आप आ पाए और परमेश्वर की बातों को समझ पाए। और मैं आपको बताऊं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे 18 साल लग गए और आत्मिक आंखें खुलने में फिर 2 साल और, मतलब टोटल 20 साल के बाद ऐसा हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि आपकी आत्मिक आंखें खुलें, खुलें जैसा मूसा की खोली, जैसे अब्राहम की खोली, जैसे बिलाम की खोली, जैसे गेहाजी की खोली, जैसे समुएल के कान खोले गए, जैसे जो है पतरस याकूब यूहन्ना की वह आत्मिक आंखें खोली, उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुना, परमेश्वर को देखा, एलिया और मूसा को देखा, प्रभु यीशु मसीह के उस रूपांतरण को देखा, पौलुस उस दमिश्क के मार्ग में गिर पड़ा और सबने आवाज सुनी, सब गिर पड़े, लेकिन प्रभु की बातों को सिर्फ पौलुस सुन पाया और कोई नहीं। बिल्कुल आज ऐसे ही है, प्रभु की बातों को समझने के लिए प्रभु के चरणों में आए दोस्तों, प्रभु आपके जीवन को खोल के रख देगा, आपको अपनी गहरी गहरी बातें बताएगा। और देखें, ये स्वर्ग से जो चला वो आज भी पृथ्वी पर, आज भी पृथ्वी पर, ऐसी अद्भुत किताब, ऐसी अद्भुत पुस्तक जो दुनिया की कोई भी पुस्तक इसके बराबर नहीं, कोई भी पुस्तक इसके बराबर नहीं। और प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप और मैं प्रभु की बातों को समझ पाए। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों स्वर्गदूत के द्वारा अपने दास यूहन्ना को, और यूहन्ना हमें सब कुछ बताता है दोस्तों। ये है सो हम अपने आप को धन्य माने कि स्वर्ग की बातें प्रभु हमें बताना चाहते, हमें बताना चाहता है। जीवन में सर्वश्रेष्ठ चीजें, जीवन में सर्वश्रेष्ठ, आपके जो सर्वश्रेष्ठ है, आपका एजुकेशन नहीं, आपकी पोस्ट नहीं, आपकी कमाई नहीं, आपके जीवन साथी नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके माता पिता नहीं, आपके रिश्तेदार, आपका कुछ नहीं, आपके घर बाहर, आपके गाड़ी घोड़े, आपकी एफडी, आपकी जवाहरात, आपकी जायदाद, परमेश्वर के आगे
नगण्य है, नगण्य है, और परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर चाहता है कि ये बात हम तक प्रकट करें। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के प्रति पूर्ण मन से समर्पित रहें। तो दोस्तों, इसके प्रभाव को आप अपने जीवन में देखेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की बातों को समझें, हम प्रभु की बातों को समझें प्रभु के तरीके से, प्रभु के तरीके से, संसारिक तरीके से, शारीरिक तरीके से नहीं। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि मांगे प्रभु से कि प्रभु आपको अपनी आत्मिक बातें सिखाए, बताए, आप प्रभु को देख सकें, आप प्रभु को सुन सकें, आप प्रभु को समझ सकें। जो है प्रभु ऐसा चाहते हैं, प्रभु ऐसा चाहते हैं। और प्रकाशित वाक्य एपोक्लिप्सिस जो अभी तक अनकवर था, प्रभु चाहता है कि उसे हम सबको बता दें। सो दोस्तों, जो है ये परमेश्वर और जो है दूसरी आयत में परमेश्वर कहते हैं, जैसा मैंने पहली आयत में आपको बताया, और दूसरी आयत वो ये कि जिसने परमेश्वर के वचन मतलब यूहन्ना के लिए लिखा है, अपने दास उसके दास अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने दूसरी आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ उसने देखा था। देखें फिर तीन वाक्य हैं और तीन वाक्यों को मिला करके एक आयत है, एक आयत है। और जो है वो ये कि जो कुछ परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी, उसकी गवाही दी। और जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये बात बताते हैं। सो दोस्तों, यूहन्ना ने ये बात कही, फिर वो बोलता है कि मैंने यीशु मसीह की गवाही और आगे की उसमें बोलता है परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण मैं पत्मुस नाम टापू में डाल दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण से और प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण से मौत की सजा मिली थी, मौत की सजा मिली थी। और जो है इसीलिए यूहन्ना एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का ऐसा चेला जिसने सुसमाचार लिखा, सुसमाचार लिखने में प्रभु ने इसको उपयोग में लाया, जिसने पत्रियां लिखी और जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा। प्रभु ने अपने इस दास को ऐसा उपयोग में लाया परमेश्वर के वचन के कारण से, दूसरा परमेश्वर की यीशु मसीह की गवाही के कारण से, और तीसरा जो मैंने आपको हिस्सा बताया कि जो कुछ उसने देखा था, जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी, उसकी गवाही दी। और इसके कारण वो पत्मुस नाम टापू में, इस कारण पत्मुस नाम टापू में। सो दोस्तों,
हमें भी चाहिए कि परमेश्वर के वचन, यीशु की गवाही और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हम सबको बता सके, हम सबको बता सके। सो प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह की गवाही और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हम लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर की आशीष जो है वो सब लोगों पर दोस्तों जो है आई। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है और जो तीसरी आयत है वो तीसरी आयत ये कि धन्य है वे, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते। तीन चीज कही, धन्य है जो पढ़ता, जो सुनता और जो मानता। पढ़ना, सुनना और मानना, देखिए ये एक इसके लिए कहा गया धन्य है, धन्य है। और जो है मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, रोमियों की पत्री में भी जो है धन्य है वे, धन्य है वे जो धन्य वचन जो है जो पढ़ते, सुनते और मानते, धन्य है वे। ये शब्द यूहन्ना की ओर से नहीं दोस्तों, ये शब्द परमेश्वर की ओर से। ब्लेसेड, धन्य है वे, धन्य है वे। और जो है इसका मतलब क्या है जो मैंने आपको जो तीन चीज बताई। और मसीह परिपक्वता में, मैच्योरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी में तीन चीज कही गई, सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोध में अत्यंत धीमा। और ये गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह में कूट कूट करके भरे हुए थे और ये हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। पढ़ना, सुनना और मानना, तब जो धन्य शब्द है वो प्रभु की ओर से, जो पढ़ते हैं और मानते हैं। और प्रभु कहते हैं कि यदि तुम मानोगे तो मैं और पिता अपने आप को तुम पर प्रकट करेंगे। सब पर नहीं, सब पर नहीं, लेकिन सिर्फ उस पर जो पढ़ते, सुनते और मानते हैं। पढ़ना, सुनना और मानना। और देखें ये चीज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में भी आए, हमारे जीवन में आए। सो हम प्रभु के वचन से ये चीज सीखी। कई बार हम सिर्फ बोलना ही बोलना जानते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सीखें, उस पर चलना भी सीखें, बोलना सीखें, पढ़ना सीखें और उसके ऊपर चलना सीखें। तब ये एक दो दिन का मैटर नहीं दोस्तों, एक दो सप्ताह, एक दो माह का मैटर नहीं, एक दो साल का मैटर नहीं, हमारे जीवन भर, जीवन भर, मृत्यु तक हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है और हम भी चाहते कि अपनी मृत्यु तक, अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार और हमेशा परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से तब अलग हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो, या प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाए, या यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाए। सो जो है
परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को पढ़ें, सुनें और उस पर चले भी। जो है प्रभु की आशीष हमारे जीवन में दोस्तों बेपरिमाण रीति से आई, बेपरिमाण रीति से प्रभु की आशीष आई, इसे हम महसूस करें, दूसरे लोग हमारे जीवन में देखेंगे। जब मूसा प्रभु के साथ समय गुजार करके उस तंबू से बाहर निकलता था, उसका चेहरा चमकता था, सब लोग देखते थे कि प्रभु के दास का चेहरा चमक रहा है प्रभु की संगति के कारण। धन्य है वे जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो मानते हैं। जो है प्रभु ने ऐसे लोगों को धन्य कहा है। और मैंने कहा कि हम मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रहे, मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रहे। और बाइबल हमारे जीवन से उस दिन अलग हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो या प्रभु का द्वितीय आगमन हो जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। हाँ, दुआ में अपने सरों को जो धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए, बहुमूल्य स्वर्गीय वचन के लिए। प्रभु आपके प्रति मरते दम तक वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करे, आपके वचन के लिए आपकी गवाही रखते हुए। और जो कुछ आपने हमारे जीवन में किया वो हम सबको बताते रहे। धन्यवाद प्रभु हम सब से बातें करने, हमारी आत्मिक आंखें खोलने, हमारे आत्मिक कान खोलने, हमारे आत्मिक हृदय खोलने। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.